हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की बहुत ही स्पेशल पाव भाजी रेसिपी। तो आइए बनाते हैं पाव भाजी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 5 से 6 आलू, जिनको कि मैंने छील लिया और अच्छे से वॉश भी कर लिया। लगभग 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इन दोनों को मिक्स करके हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ वेजीज, 3 टमाटर लिए हैं बड़ी साइज़ के, 2 प्याज और 2 कैप्सिकम जिनको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लिया है, जहाँ तक हो सके आप नॉनस्टिक पैन बिल्कुल ना लें, ये मैंने बिल्कुल मजबूरी में लिया है। आपको मोटे तले वाली एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की कढ़ाई लेना है और जहाँ तक हो सके ध्यान रखिएगा कि वो फ्लैट होनी चाहिए, क्योंकि पाव भाजी में हमें भाजी को बहुत ज़्यादा मैश करना पड़ता है और नॉनस्टिक पैन आपका ख़राब हो सकता है, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन को गर्म किया है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर और बटर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से बटर में बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ किया है। अब जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच के करीब जीरा। अब हम जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये बारीक कटे हुए प्याज। हमें प्याज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक, मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगेंगे बस। ये देखिए ये हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये कैप्सिकम और ये टमाटर। हमें शिमला मिर्च और टमाटर दोनों एक साथ ही इस टाइम पर डाल देना है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। ये मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है, आप स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 3-4 मिनट के लिए इसे लिड लगा कर पकने देंगे। आप चाहे तो इसे खुला भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने लिड इसलिए लगाई है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉईल किए हुए आलू और मटर, इसको मैंने पहले से ही मैश कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से मैश नहीं किया मैंने, इसे रफली मैश कर लिया है। अब हम इसके सब्जियों के अंदर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से और मैश करेंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लगभग 2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब ही हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। बस अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। ये देखिए हमें इस तरह से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे मेशर की हेल्प से अच्छे से मेश करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाव भाजी जो है बहुत अच्छे से मेश की हुई होती है, लेकिन आप ये सारा काम नॉनस्टिक पैन में ना करें। अच्छी तरह से मेश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 गिलास के करीब पानी। आप यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाजी बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, बहुत जल्दी ये सारा पानी सोख लेती है, क्योंकि हमने इसमें वेजीज को बॉईल करके डाला है। ये देखिए लगभग 2 से 4 मिनट ही हुए हैं और हमारी भाजी जो है काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 1/2 नींबू का रस, जो कि लगभग 2 चम्मच के करीब है। आप चाहे तो इसमें 1 नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बहुत सारा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। और धनिया और नींबू डालने के बाद भी आपको इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी और पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमारी भाजी जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं पाव सेकने की तरफ। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बटर, बटर या ऑयल जो भी आप डालना चाहो। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तेले वाला लुक देने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से पाव को बीच में से कट कर लिया है, और इस तरह से हमें दोनों तरफ से पलट पलट करते हुए इसे अच्छे से नहीं बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छे से मसालों में कोट हो जाए। और अच्छी तरह से इस पर बटर लगा दीजिए। आप देख
देख सकते हैं हमारी जो पाव है बिल्कुल रेडी है। अब इस गर्मा गर्म पाव भाजी को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, जी भर के खाइए और खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी इसी तरह की रेसिपीज़ मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी मेरे सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।